बच्चों को स्कूल जाने से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल में मेनू के अनुसार MDM की व्यवस्था भी है, लेकिन विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं ये देखने वाला कोई नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देखिए। गिरिडीह के गांवा से लाइव सेवन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नजारा है गिरिडीह के गांवा उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहां दो शिक्षकों के भरोसे 153 बच्चों की पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई भी ऐसी कि एक ही कमरे में अलग अलग कक्षा के बच्चे, कोई उर्दू तो कोई साइंस की पढ़ाई करता है। बताया जाता है कि विद्यालय में प्रतिनियुक्त दो शिक्षकों में एक शिक्षक विद्यालय में तो दूसरा विभागीय काम में बाहर ही रहते हैं। ऐसे में बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है। टोटल 6 विषय हैं, उसमें से कौन सा बुक आप लोग को नहीं मिलता है? अभी यहाँ कितने टीचर हैं? कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं लोग? तो सब विषय का पढ़ा देते हैं लोग? नहीं हो पाता, दो टीचर रहती है, एक मैम कभी ऑफिस का काम करती है तो कभी यहाँ अटेंडेंस बनाती है तो कभी यहाँ पर बनाती है, बच्चा लोगों को संभालती है, कभी 6-7-8 और एक क्लास में 6-7-8 कैसे पढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में शिक्षक की कमी से विभाग बेखबर है। स्कूल की प्रिंसिपल रबीला खातून की माने तो वो कई बार BRC को समस्या से अवगत करा चुकी हैं। बावजूद इसके इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। प्रभारी प्रिंसिपल रबीला खातून खुद मानती हैं कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में यही है कि हम अकेले हैं और BRC का भी काम हमको संभालना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, PU डैश है उसको भरना है, तो ये करना है कंप्लीट, हम इधर करें कि उधर करें और ना अच्छा से पढ़ा ना पाते हैं। तो बच्चा लोग का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो रहा है? हो ही ना पाता है, जब टीचर की कमी है तो कंप्लीट कैसे होगा। इसका शिकायत आप विभाग से किए थे? हम किए, BRC 2-3 बार गए टीचर, हम लोग को टीचर दीजिए। स्थानीय लोगों की शिकायत पर गावा पंचायत समिति सदस्य आशा देवी और वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण निरीक्षण करने विद्यालय पहुंची। दोनों पंचायत प्रतिनिधियों ने माना कि इस तरह की व्यवस्था से बच्चों का भविष्य सवरने के बजाय अंधकार में होता जा रहा है। जांच करने के लिए आए हैं, खाना उना के लिए देखने के लिए आए हैं, यहाँ पता चला है कि यहाँ पर शिक्षक का कमी है, मात्र में 2 शिक्षक है, 1 मैडम है, क्लास यहाँ 9 तक चल रहा है लेकिन कोई बच्चा को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं है, कोई तरह का सुविधा नहीं है, सब बच्चा बाहर दौड़ रहे हैं, जो भी शिक्षा है पता नहीं क्या काम के लिए चले गए वो हमको मालूम नहीं। विद्यालय गाँव में उर्दू प्राइमरी में आए हैं करने के लिए, यहाँ पे देख लें कि सारे बच्चे बाहर में खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई बहुत कम हो रहा है, बच्चे लोग में ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, ना बच्चे लोग को सही से शिक्षा मिल पा रहा और ना ही मतलब कोई किसी तरीके से, यहाँ पे एक ही मैडम है अभी जतिन सर भी नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं किसी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे टीचर का बहुत जरूरी है और कमी है क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, कोई भी बच्चा नहीं सिर्फ खाना लेने के लिए आता है, खाना खा के भाग जाता है, शिक्षा तो कहीं से कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, स्कूल का भवन है, बेंच डेस्क है, बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, बच्चों को MDM का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन जिस मकसद से बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो मकसद उनका पूरा होता नहीं दिख रहा। आखिर बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे? ऐसे पढ़ेगा झारखंड तो कैसे बढ़ेगा झारखंड? लाइव 7 के लिए गिरिडीह के गावा से आलोक रंजन और शुभम भानु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।